हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हो हेरिटेक एंड ब्लॉक्स चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 बजटेड स्मार्टफोन, ठीक है। और जो भी सारे पांचों के पांचों स्मार्टफोन है, इनकी कॉस्ट होने वाली है 10,000 रुपीज के अंदर। और ये ईयर 2021 के टॉप मोस्ट बाइड स्मार्टफोन है किसी भी वेबसाइट पे। और जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ वो अमेजोन इंडिया है। तो गाइस, अमेजोन इंडिया पे ये सारे फोन्स अवेलेबल होंगे और इन फोन्स की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस फटाफट से जो है वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को थम्स अप वाला लाइक दे देना। और अपनी वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं गाइस कि इस वीडियो में कोई भी पेड प्रमोशन इंक्लूडेड नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट इंक्लूड नहीं है। सो गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। नंबर 5 पे आता है Vivo Y91i, जो कि Vivo कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और इसकी अगर हम रैम रोम फंक्शन की स्पेसिफिकेशंस करें तो इसमें आपको 2GB रैम मिलती है और 32GB इंटरनल स्टोरेज, वो 32GB एक्सटर्नल स्टोरेज मिलती है गाइस, ठीक है। और ये इसका फ्रंट लुक है, साइड से देख लीजिए एक बार, और इसका एक बार रियर लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या ओपी लुक है गाइस, ठीक है, लुक आपने देख लिया होगा। और अब बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, ठीक है गाइस। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि इसमें दो मतलब एक ही एक कैमरा होता है पीछे भी और आगे भी, ठीक है गाइस। तो इसमें 30 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा सही है इसके रेट के हिसाब से। और इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, ठीक है गाइस। और इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो है 6.22 इंचेस, जो कि रिलायबल है सबके मतलब से है, ठीक है गाइस। और इसकी अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो आपको 4000 mAh मिलेगी राउंड ऑफ में। वैसे इसकी जो है बैटरी वो अप्रॉक्स है 4030 mAh, ठीक है। और इसमें आपको मिल जाती है 1 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी और 6 मंथ की डैमेज वारंटी, ठीक है। और बॉक्स के अंदर में आपको मिलेगा यूजर मैनुअल, माइक्रो यूएसबी टू एसबी केबल, ये तो चलिए आप जब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा 5th मॉडल। और अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की तरफ। सो गाइस, हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है Redmi 9 Multitasking कार्बन ब्लैक, इसका कलर है गाइस, ठीक है। और इसकी रैम रोम स्पेसिफिकेशन होने वाली है 4GB रैम और 64GB रोम, ठीक है गाइस। और इसके अंदर में 2.3 GHz MediaTek Helio G35 octa core प्रोसेसर है गाइस, मतलब इतना बढ़िया प्रोसेसर है कि क्या बताऊँ। खैर, इस फोन के हिसाब से प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है गाइस। और इसके अंदर में आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी, जो कि वीवो के हिसाब से बढ़िया ही है, मतलब उसके हिसाब से बढ़िया है। सो गलती हो गई, एक मिनट पीछे जाते हैं, ठीक है गाइस। हाँ, तो वापस आ गए। और इसमें आपको कलर मिलेंगे 3, कार्बन ब्लैक, स्काई ब्लू का भी रेट उतना ही है, ठीक है गाइस, स्काई ब्लू। और उसके बाद इसकी अगर हम कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसके रियर कैमरा 2 होने वाले हैं, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, ठीक है गाइस। और इसमें AI पोर्ट्रेट, AI सेंस रिकॉग्निशन है, HDR और प्रो मोड भी आपको साथ में मिलने वाला है। और इसकी अगर स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.53 जैसा स्क्रीन डिस्प्ले होने वाला है गाइस। और इसमें सिम आने वाले हैं 4G 4G, 2 सिम आएंगे, मतलब डुअल सिम का ये प्रोसेसर है। अब इसका आपको एक बैक लुक दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए भाई साहब क्या ओपी लुक है गाइस बैक से, मतलब मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब ये था हमारा 4th, और बढ़ते हैं हमारे अब 3rd नंबर की तरफ। सो गाइस, हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर है ओप्पो A31, जिसका कलर है मिस्ट्री ब्लैक और जिसका रैम इस रोम स्पेसिफिकेशंस गाइस 6GB इसमें आपको रैम मिलेगी और 128GB रोम, भाई साहब मजा आ गया, ठीक है। और ये एक्सपेंडेबल भी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपेंडेबल। और इसका कॉस्ट है ₹10,990, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, आज की तारीख में। और इसमें आपको भी 3 कलर मिल जाते हैं, लेक ग्रीन, मिस्ट्री ब्लैक और फैंटेसी वाइट। इसका आपको बैक लुक दिखाऊंगा, इस ओपी लुक देता है बैक में भी है। और ये ब्लैक कलर है, इसका जो लोगो है वो नीचे आएगा। और इसका जो एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें, और इसमें एक फ्लैश और 3 कैमरा लाइन से है, ठीक है गाइस। और अब इसकी और स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें आपको 3 कैमरा मिलते हैं, जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और इसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखते पता चल ही गया होगा। इसका जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, और बाकी के इसके जो मैक्रो लेंस और डेप्थ कैमरा के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा आपको प्रोवाइड कर रखे हैं गाइस, ठीक है। और इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले होने वाला है वो होने वाला है 6.5 इंच वाटर ड्रॉप मल्टी टच, ठीक है। और इसकी जो सिम है वो भी 4G 4G डुअल है, और इसमें नैनो सिम आएंगे गाइस, पहले सुन लीजिएगा, नैनो सिम आने वाले हैं इसमें। तो आप लोग अपने सिम को
छोटा कर लीजिए। और इसमें जो बैटरी है वो है 4230 mAh की, अप्रॉक्स मान लेता हूँ 4200 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो कि 45 आवर्स का टॉक टाइम प्रोवाइड करती है ना, स्टैंड बाय टाइम 450 mAh। मतलब गाइस अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी आपकी जो बैटरी है वो 45 आवर्स तक तो रहेगी, और अगर आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते हो, पूरा चार्ज करके रख देते हो पूरे 31 को, तो 450 घंटे तक बैटरी उसकी रहेगी। ठीक है गाइस, हाँ 450 घंटे उसकी बैटरी रहेगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नंबर टू की तरफ। सो गाइस हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M02S। गाइस हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M02S, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, और इसमें आपको जो रैम स्पेसिफिकेशन से गाइस, इसमें आपको 4GB रैम मिल जाती है, 64GB की इसमें स्टोरेज है, और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 5000 mAh। यार बिल्कुल, मतलब 5000 mAh बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसकी कॉस्ट है 10,000 rupees के अप्रॉक्स। ठीक है गाइस, 10,000 rupees के अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट होने वाली है। अब इसका आपको बैक लुक दे देता हूँ गाइस, देखिए बैक लुक कितना मस्त बैक लुक आ रहा है यार, बढ़िया ओपी, 101 नंबर 100 में से दूंगा। ठीक है, और इसको अब और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको तीन कैमरा मिलते हैं, इसमें की एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, ठीक है, और जो कि मेन कैमरा है, और बाकी के डेप्थ और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल के आपको मिल जाते हैं अपने इस फोन में। और इसकी जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो होने वाली है 6.5 इंच का है, 6.5 इंच में स्क्रीन डिस्प्ले है, और इसमें मेमोरी स्टोरेज मैंने आपको बता दिया 4GB 64GB इंटरनल है, जो कि 1 TB तक एक्सपेंडेबल है। ठीक है गाइस, और इसमें डुअल सिम मिलने वाले हैं आपको, नैनो जो कि पढ़ेंगे, नैनो ही पढ़ते हैं आजकल तो, और 4G दोनों सिम होंगे। सो गाइस 5000 mAh की इसमें लिथियम आयन बैटरी, इसमें ओप्पो A31 में गाइस ध्यान दीजिए, ओप्पो A31 में हमारे पास लिथियम पॉलीमर थी, इसमें हमारे लिथियम आयन बैटरी है। और तो अब बढ़ते हैं गाइस अपने नंबर वन की तरफ। सो गाइस एट नंबर वन एक कन्फ्यूजन जरूर है कि ये फ़ोन जो है वो 10,000 से ऊपर का भले ही है, लेकिन गाइस इसको मैं यही सोच समझ के लिस्ट में लेके आया हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है जो आपको मतलब 10,000 के अप्रॉक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका हम बात कर लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M12 है, इसमें 6GB रैम है, 128GB रोम है। ठीक है गाइस, और इसमें 6000 mAh की बैटरी है विद 8 नैनोमीटर प्रोसेसर, और इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, मतलब आप कंपेयर करो कहाँ 12-13 मेगापिक्सल और कहाँ 48 मेगापिक्सल। तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फोटोग्राफ से ले रहे हो तो गाइस ये वाला फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, सैमसंग गैलेक्सी M12। ठीक है गाइस, और अब इसकी और स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो इसका रेट आप पहले देख लीजिए, 12,499 rupees इसका रेट होने वाला है। ठीक है गाइस, और इसमें आपको तीन कलर मिल जाएंगे, वाइट, ब्लू और ब्लैक। ठीक है गाइस, इसकी बैक की बात कर ले तो गाइस बैक से क्या ऑसम लुक दे रहा है, 4 कैमरा है इसमें, 4। ठीक है, 4 यहाँ से, 4 देखना, 4 ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, 4 कैमरा है, 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। ठीक है गाइस, और इसमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, 5 मेगापिक्सल कैमरा अल्ट्रा वाइड है, और बाकी के डेप्थ और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल के होने वाले हैं गाइस। ठीक है, और अब बढ़ते हैं इसके और स्पेक्स की तरफ। तो इसमें आपको बैटरी मैंने आपको बता दी कि 6000 mAh की इसमें बैटरी होने वाली है। ठीक है गाइस, तो हमारी जो फोन्स की लिस्ट थी वो यहाँ पे होती है ख़त्म। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं आपको 110% कहूँगा कि आप सैमसंग का ये M12 लो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M12 सबको पछाड़ करके, मतलब मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर ये इसलिए था क्योंकि इसलिए नहीं कि उसका रेट ज़्यादा है, बाकी इसलिए कि इसके स्पेसिफिकेशंस इतने बढ़िया हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइस हमारा वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले बटन को दबा देना, और अगर कोई भी और वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दो, वो वीडियो तुरंत के तुरंत विद इन 24 आवर्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो होप आपको वीडियो पसंद आया। सो इस वीडियो में इतना ही था, टिल देन बाय बाय।